ओके सर, नमो राघवन। आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों तक? आ रही आवाज? जी, थैंक यू। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना तथा डिपार्टमेंट ऑफ योगा के सौजन्य से 7th इंटरनेशनल योगा डे के आयोजन से संबंधित दिनांक 15 जून से लेकर 21 जून तक जो 1 वीक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, आज उसका प्रथम डे तथा प्रथम सत्र में उसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के सत्र में विश्वविद्यालय के संपोषक माननीय कुलाधिपति जी, जिन्होंने अपना आशीष वचन देके इसका शुभारंभ, तथा इसके साथ ही इंट्रोडक्टिव सेशन को, इंट्रोडक्टिव स्पीच को प्रस्तुत किया गया माननीय रजिस्ट्रार सर के द्वारा। विश्वविद्यालय के कुलपति सर प्रोफेसर दुबे सर ने योगा तथा राष्ट्रीय सेवा योजना और साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों के संदर्भ में हमारा विश्वविद्यालय किस प्रकार से आगे कार्य कर रहा है उसको, और इस सप्त दिवसीय जो भी हमारा वर्कशॉप चल रहा है उसके लिए शुभाशीष हमें प्रदान किया। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्टेट ऑफिसर डॉक्टर अंशुमाली शर्मा सर ने बहुत सी चीजें हमारे सामने रखी तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को देखते हुए विश्वविद्यालय को एक सजेशन भी प्रदान किया कि किस तरीके से हम फिटनेस प्लान बना के स्टेट गवर्नमेंट के सामने इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन की एंडिंग के बाद जो हमारा सेकंड सेशन शुरुआत होता है उसमें सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सेकंड सेशन में उपस्थित हमारे आज दो मुख्य स्पीकर, प्रथम मिस्टर भरत सिंह सर, सीनियर योगा टीचर कैवल्य ग्राम योगा संस्थान लोनवाला महाराष्ट्र। आज सर का सामान्य छोटा सा परिचय दिया गया। सर योगाभ्यास से संबंधित सावधानियां व महत्व विषय पे प्रकाश डालेंगे और अपना अनुभव हमको शेयर करेंगे, तथा दूसरे स्पीकर के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं विश्वविद्यालय के ही मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सचिन उपाध्याय सर, जो कि आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। वो आयुर्वेद तथा योग की प्रासंगिकता जो कि वर्तमान समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि जो समय चल रहा है और जिस इस समय में जिस तरीके की परेशानियां सबके सामने आ रही हैं उस पर प्रकाश डालेंगे और अपने विचार और बहुत सी हमको ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जो हमारे लिए कारगर होगी। इस कार्यक्रम के सेकंड टेक्निकल सत्र में जितने लोग भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हमारे प्रभुत्वजन, अन्य विभागों से जुड़े हुए, अन्य जितने बाहर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबका मैं विश्वविद्यालय परिवार, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा डिपार्टमेंट ऑफ योगा की तरफ से आपका अभिनंदन, स्वागत और वंदन करती हूँ। जैसे कि आपको पूर्व में परिचय कराया गया, ये जो 7 डेज का हमारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, ये कार्यक्रम 2 सत्रों में होगा। एक सत्र में विभिन्न एक्सपर्ट के हम लोग लेक्चर्स आपके तक भेजेंगे, दूसरे में उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में सामने रखा जाएगा। तो ये जो आपका ये वाला हमारा सेशन, सेकंड सेशन चल रहा है, ये सेशन में हमारे स्पीकर आपको जो लेक्चर देंगे, जो व्याख्यान देंगे, जो अपने अनुभव शेयर करेंगे, वो हम लोगों के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होंगे। तो अधिक समय न लेते हुए मैं आपका अभिनंदन वंदन करते हुए आज अपने प्रथम स्पीकर के रूप में आमंत्रित करती हूँ मिस्टर भरत सिंह सर। सर का सामान्य परिचय तो आप जब उनकी बातों को सुनेंगे, उनके साथ आप कनेक्ट होंगे, तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो सर ने अपना अपने जीवन का बहुत बड़ा समय 32 साल इस प्रोफेशन में, इस एरिया में योग टीचर के रूप में व्यतीत किया।
सर काफी सीनियर एक्सपर्ट हैं योग के क्षेत्र में। गवर्नमेंट के थ्रू सर को देश और विदेश में योग एजुकेशन की प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा जा चुका है। सर अफ्रीका, अमेरिका, एशिया बहुत सी जगह गए हैं। और योग एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के साथ साथ योग वर्तमान में कितना रिलेवेंट है, इसको सर ने बताया, इसका प्रचार प्रसार किया। बहुत लंबे समय का अनुभव है। अब मैं सर ने जो आज निर्धारित किया है अपना व्याख्यान का टॉपिक, वो है योगा अभ्यास में सावधानियां व महत्व। सामान्य चीजें हमको पता होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि एक्सपर्ट पर्सन बता सकता है कि इस कार्य को करते समय हमको क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए या इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ मिस्टर भरत सिंह सर को, जो कि आए और विषय से संदर्भित अपना उद्बोधन हमारे सामने रखें। मिस्टर सिंह सर, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। योग वास्तव में आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसकी महत्वता ना होती तो योग शायद विश्व के कोने कोने तक नहीं पहुंचता। आज पूरा विश्व इसके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि योग जो हम करने जा रहे हैं क्या वास्तव में सही रूप से कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं तो उसका फायदा हमें क्यों नहीं हो रहा है, हम कहाँ गलतियां कर जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पतंजलि ने पहले सूत्र में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, अथ योगानुशासन। अनुशासन शब्द उन्होंने सबसे पहले यूज किया है। जहां पे अनुशासन है अगर जीवन में, समझ लो वहां पर योग है। अगर अनुशासन नहीं है, समझ लेना वहां पे योग नहीं है। एक्सरसाइज कर लें और कहें कि हम योग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। योग जो है, सरल भाषा में अगर देखा जाए तो योग का मतलब है जुड़ना। तो जुड़े तो हम किससे जुड़े? अपने आप से जुड़े। क्या हम अपने आप से जुड़े नहीं हैं? अगर मुझसे कोई पूछे, जो हमारा पिछले 36 सालों से अनुभव है, तो वास्तव में हम अपने आप से जुड़े नहीं हैं। गलतियां हम अपने आप में करते जा रहे हैं, एक के बाद एक। इस प्रकार से इतनी गलतियां करते जा रहे हैं, उसमें फंसते जा रहे हैं, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आज पूरे विश्व में जो भागदौड़ योग के पीछे है, तो मात्र इसलिए है कि लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से योग का महत्व दे रहे हैं। जहां स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व दे रहे हैं, उसमें केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन का भी हो। इसलिए स्पष्ट रूप से पतंजलि ने दूसरे सूत्र में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, क्योंकि चित्त मन जो है हमारा बहुत चलायमान है, बाहर विषयों के साथ भागता रहता है, उसके साथ साथ इंद्रियों उसके पुल घोड़े हैं, भटका रहा है उसी में, और हम सब जो है उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन योग हमें अंतःमुखी करता है।
आजकल जो ज्यादा भागदौड़ है योगासन के ऊपर है, प्राणायाम के ऊपर है, क्रियाओं के ऊपर है। अगर योगासन ही हम पकड़ लें तो योगासन का सबसे ज्यादा जो व्याख्या मिलती है वो मात्र हठ योग में। उसे पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, तीसरा स्थान आसनों को दिया है, उसके पहले यम और नियम का उन्होंने वर्णन किया है। यमों में भी अहिंसा पहला स्थान दिया है, नियमों में शौच का पहला स्थान दिया है। अगर जहां पे शौच नहीं है योग का अधिकारी नहीं है, अहिंसा नहीं है का पालन नहीं कर रहा है योग का अधिकारी नहीं है। बड़े क्लियर रूप से कुछ रूल रेगुलेशन योग में बनाए बताएं, उस रेगुलेशन पर अगर आप चलेंगे तो बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर रूल रेगुलेशन आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप गर्त में गिरेंगे, एक्सीडेंट होगा ही। जैसे हर एक देश में अलग अलग नियम है रोड पे चलने के लिए, कहीं पे बाएं से चलने का है तो कहीं पे दाहिने से चलने का है। अगर बाएं से चलने वाला दाहिने पे जहां चलता है वहां का नियम है, तो हमारे यहाँ नियम यही है हम बाएं से चले वहां पे चलेगा तो एक्सीडेंट वहां पे होगा ही। तो इसलिए जहां पे जिस प्रकार से जो नियम हमारे समाज में बनाए गए हैं उसका भी हमें पालन करना है, योग ये भी सिखाता है। जहां शौच की बात कही जाती है, शौच यानी पवित्रता, ये पवित्रता केवल शारीरिक नहीं, कपड़े धो के पहन लेना से नहीं होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए है। जहां पे हम रहते हैं वो, जिस रूम में आप रहते हैं, जिस परिसर में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसकी पूरी पवित्रता होनी चाहिए। तो शुरुआत कहां से करना है? पहले अपने से करना है। आप पवित्र हो, अपने रूम को पवित्र करें, आसपास परिसर वातावरण पवित्र करें, गांव का पवित्र। धीरे धीरे आगे आगे आप बढ़ते जाएं तो पूरा विश्व आपको एक लगेगा, पूरे विश्व को आप एक में देखेंगे। नहीं तो ये हमारा, ये तुम्हारा, ये हमारा, ये तुम्हारा, इसी में चलता रहता है। योग ये ऐसी चर्चा नहीं करता है। योग शरीर और मन को अलग अलग मानता ही नहीं, दोनों एक हैं। एक अगर गड़बड़ होगा दूसरा गड़बड़ हो ही जाएगा। शारीरिक रूप से अगर कोई त्रस्त है मानसिक रूप से त्रस्त तो होगा ही। और विकार कहां से आते? अपवित्रता जितनी आप में बढ़ती जाएगी, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, सेंस ऑर्गन से हो, मोटर ऑर्गन, कर्मेंद्रियों से हो या ज्ञानेंद्रियों से हो, ये पवित्रता आंखों से भी आ सकती है, सुनने से भी आ सकती है, स्मेल से भी आ सकती है, भोजन से भी, कहीं से भी आ सकती है, किसी प्रकार से भी आ सकती है, और अंदर जाकर के विकार पैदा कर देते हैं। ये शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। शारीरिक अगर हो जाती तो उसके लिए तो दवाएं बनी हुई है, अच्छी तरह दवा ले लें, चलो 1 हफ्ते 15 दिन में मैक्सिमम ठीक हो जाता है व्यक्ति। लेकिन अगर मानसिक रूप से त्रस्त है तो सालों साले बीमारियां चलती रहती हैं, ये मैंने देखा है। अस्पतालों में जाओ तो भीड़ की भीड़, वही पेशेंट है, इतनी अच्छी दवा बनी है फिर भी जो है क्यों इतना लाइन लगी हुई है, सालों साल चल रहे हैं, पूरी जीवन दवा के ऊपर चल रहे हैं। यहां तक तो लोग कहते हैं कि अगर एक बार ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत बात है, खत्म हो सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो खत्म हुई हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी, चाहे अस्थमा के हों, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के कारण जो है सब परेशान रहते हैं। लेकिन योग में जैसे वो घुले, अपने आप धीरे 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 निकलते चले गए। योग मतलब केवल हाथ पैर को उठाना बैठाना यही नहीं होता है, ये अनुशासित हमें बनाता है। अनुशासन कैसे सीखें ये हमें सिखाता है। जोर जबरदस्ती से अगर हम करते हैं तो भी नुकसान करता है, वो भी नहीं करना चाहिए। अरे बात, हम यूरोप में सिखा रहे थे, योग की क्लास की थी, और वहां पे लोग आ गए क्लास के लिए और शाह खा भी रहे हैं। अब सोचो, कहीं भी किसी भी योग साधक से पूछ लीजिए कि क्या भोजन करने के बाद आसन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, या कोई भी योग की प्रक्रिया करनी चाहिए, सब मना करेंगे, नो। अब खाना भी खाए हैं तुरंत आसन भी करें, कैसे इफेक्ट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता।
जिंदगी भर आप अभ्यास करते रहो, ना शारीरिक रूप से कोई आप फायदा होगा, ना मानसिक रूप से फायदा होगा। जबकि हरियोग कहता है कुर्यात तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम चा लाघुम। अगर कोई व्यक्ति आसन को आसन के रूप में करता है तो उसमें स्थिरता आएगी, स्थिरता उस शारीरिक और मानसिक दोनों, केवल शरीर की बात नहीं करता। दुर्भाग्य है आज हमें, ना तो हम शारीरिक रूप से ही स्थिर हैं और ना मानसिक रूप से ही, दोनों में ही अस्थिरता हमें फैली हुई है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तनाव बना हुआ है, चिंताएं बनी हुई हैं। जबकि योग कह रहा है स्टेबलनेस आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आसन को आसन के रूप में करता है, हाँ एक्सरसाइज के रूप में करता है, जिम्नास्टिक के रूप में कर रहा है, तो स्टेबलनेस कभी भी नहीं आएगा, स्थिरता उसमें कभी भी आजीवन नहीं आ सकती। आरोग्यता, योग में आरोग्य शब्द आया है, रोग का नामो निशान नहीं है। ये कहते हैं अगर कोई व्यक्ति योग करता है तो आजीवन निरोग रहेगा, कभी उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि हम सभी रोगों से इतना ज्यादा ग्रसित हैं, योग भी कर रहे हैं और बीमारियां भी बहुत सारी हो रही हैं। इवन बहुत सारे योगा टीचरों को भी ऐसा देखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है, लेकिन हम बरतते नहीं हैं। करते हैं, योग तो करते हैं, आसन भी कर लेते हैं, क्रियाएं भी कर लेते हैं, प्राणायाम भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैंने यही बता दिया भोजन का। एक जब भी हमें अभ्यास करना हो, योग का कोई भी प्रक्रिया करनी हो, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, बंद हो, मुद्रा हो, कुछ भी करना हो, ध्यान हो, सब में पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर कुछ खा लिया है, एक कप दूध ही पी लिया है, तो कम से कम आधे घंटे, थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया है तो कम से कम 2 घंटे, भोजन भी कर लिया है तो कम से कम 4 घंटे, है भी भोजन किया है तो कम से कम 6 से 8 घंटे बाद ही करें। लेकिन हम इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हाँ योग करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि योग बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है और हमें करना है। खा भी रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, एक साथ दोनों काम कर रहे हैं। ये कैसे इफेक्ट आ सकता है, कैसे आपको फायदा मिल सकता है? आजीवन नहीं मिलेगा। आप जीवन अभ्यास करते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को तोड़ रहे हैं। ये अनुभव मैं एक दिन का नहीं बता रहा हूं, ये पिछले 36 सालों से लाखों की संख्या में विद्यार्थी हमारे सामने आए, और किस प्रकार से वो थे, कैसे कैसे उन्हें दुर्गुण भरे हुए थे, लेकिन आज वो सब कैसे कैसे एकदम दुर्गुण अपने आप गायब। मैंने किसी को बोला नहीं था कि आप मत करो, लेकिन धीरे 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 अभ्यास वो करते गए संतुलित अवस्था में, और फिर धीरे धीरे उनका विकार गायब होता चला गया, और बहुत शाबाश खुश है, इंडिया में भी और विदेश में भी, हर जगह पे बहुत प्रकार के लोग हमें, जो मानसिक रूप से बहुत त्रस्त थे, शारीरिक रूप से भी त्रस्त थे, कुछ लोग तो ऐसे उठ बैठ भी नहीं, कुछ लोग जीवन से इतना बर्बाद हो गए थे कि हम मरना चाहते, ऐसे भी लोग आए थे। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग लेने से सब कुछ ही गायब हो गया। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग आप लेते हैं, प्रॉपर अभ्यास आप करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, स्थिरता अपने आप आ जाएगी, आरोग्यता अपने आप आ जाएगी। कोई भी अगर विकार है भी, वैसे एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, योग रोगियों के लिए नहीं है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसी के लिए है। हाँ लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, अगर कुछ उसके पास विकार हैं, तो धीरे धीरे अपने आप वो खत्म होते चले जाते हैं। रेगुलर अभ्यास अगर कोई व्यक्ति करता है, निरंतर अभ्यास कोई करता है, एक दिन कर लिया योगा हो गया, 21 जून को करना है या एक हफ्ते का प्रोग्राम इसमें करना है, तो ये बस योगाचार्य मन, बिल्कुल गलत बात। योग योग एक दिन के लिए नहीं, पूरा जीवन के लिए है। जब तक आपकी सांस है तब तक आपका योग होना चाहिए, योग का अभ्यास होना चाहिए। कोई भी अभ्यास आप कर लिए, हम कह रहे यही करना चाहिए आपको, आसन ही करना चाहिए आपको, प्राणायाम करें आपके, नहीं आप जो भी आपको उसमें पसंद है, आपके शरीर को जो भी उपयुक्त तो लग रहा है, कोई एक तो आप शुरुआत तो कीजिए, आप देखिए कैसे निखरते हैं आप अपने आप में।
लेकिन आज तो योग को जो है लोग तमाशा बना दिए हैं, सर्कस के रूप में दिखा रहे हैं। योग प्रदर्शन की चीज नहीं है। हठ योग में बड़े क्लियर कहा गया है, हठम विद्या परम गोप्य, बड़ा क्लियर बताया गया है। अगर गुप्त रूप, जितना गुप्त इसे रखेंगे उतना ही वीरवती होगी, शक्तिशाली होगी, शारीरिक और मानसिक रूप से उतना शक्तिशाली आप हो जाएंगे। और जितना प्रदर्शन के रूप में करेंगे तो क्षीण होती चली जाएगी। तो योग दिखावे के लिए नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्लास में अगर 100 लोग हैं तो आप कहेंगे अरे तुम सब एक दूसरे को देख रहे। नो, 100 लोग अगर क्लास में हैं, 1,000 लोग एक क्लास में हैं, तो उसे आपको अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। दूसरा क्या करो उसे कोई मतलब नहीं है, अपने आप को आप देखिए। ये है हठम विद्या परम गोप। आप में क्या हो रहा है, आप में क्या परिवर्तन हो रहा है आसन जब आप कर रहे हैं, आपकी श्वास प्रश्वास की गति कैसे हो रही है, आपकी कौन सी मसल किस प्रकार से काम कर रही है, कहां पे खिंचाव हो रहा है, कहां पे कहीं जबरदस्ती तो आप नहीं कर रहे हैं, कोई फोर्स तो नहीं कर रहे हैं। ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना, पूरा इंटरनल अंतःकरण में घुस जाना। जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसी अभ्यास से संबंधित उसी अंग के ऊपर आपकी अगर एकाग्रता है तो समझ लेना कि आपका अभ्यास अच्छा हो रहा है। लेकिन आप मान लो पैर उठाने का काम कर रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है, सालों साल अभ्यास करते रहिए, कोई भी उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना है। इसलिए कहते हैं हठ विद्या परम गोप्य, गुप्त रूप से अपने आप में समझे जो आप क्या कर रहे हैं, समझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या परिवर्तन हो रहा है आप में, कहां पे बाधाएं आ रही हैं आपको करने के समय, पैर उठाने में सीधा कर रहे हैं, टेढ़ा कर रहे हैं, दाएं ले जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, हर एक ये अपने सिद्धांत तो होता है करने के लिए, उस सिद्धांत पे आपको चलना है। इसलिए पतंजलि बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जी प्रयत्न शैथिल्य, उन्होंने प्रयत्न शिथिलता की बात की, प्रयत्न नहीं करना ये बात नहीं कही है। बहुत बार लोग ऐसे कर ले कोई प्रयत्न नहीं करना, आप अपने आप जो हो रहा हो, नो, प्रयत्न करना है लेकिन उस प्रयत्न में शिथिलता, इसका मतलब जोर जबरदस्ती अभ्यास में आपको नहीं करना है। और मन अनंत की ओर लगे, शून्य में लगे, मतलब आपका मन इधर उधर ना भटके, कि अभ्यास भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मन वहां पे लगा हुआ है, अभ्यास भी कर रहे हैं और याद कर रहे हैं किसी और चीज के पुरानी बातों को। अगर इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो सालों साल अभ्यास करते रहें, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अभ्यास के दौरान मन की एकाग्रता अंदर की ओर होना चाहिए। और जो अभ्यास आप कर रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको करना है, दूसरा क्या कर रहा है उससे आपका कोई मतलब नहीं है। दूसरों को देख के अगर आप करते हैं तो कोई भी उसकी उपयोगिता नहीं है। हठ योग में और भी एक बात बहुत बताई गई है कि अगर योग में जल्दी आपको सिद्धि पाना है, वो तो कहते हैं 1 साल में व्यक्ति जो है परफेक्ट हो सकता है योग में, 1 साल का अगर अभ्यास करे तो, विदाउट ब्रेक, विदाउट एनी फेल, बिना किसी रुकावट, निरंतर प्रतिदिन अभ्यास अगर व्यक्ति करता है तो। कहते हैं ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। ठीक, चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है। बोले अगर इन चारों चीजें हैं व्यक्ति में, 1 साल के अंदर योग में सिद्धि उसे प्राप्त मिल जाएगी। सिद्धि का मतलब योग प्रॉपर ढंग से उसका होने लगेगा, उसके मन में चंचलता नहीं रह जाएगी, शारीरिक रूप से किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा, मानसिक रूप से किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा, उसके अंदर जो मानवता के विपरीत चीजें हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, एक मानव को क्या करना चाहिए उसमें अपने आप पैदा हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप होती है ये चीज, बदलाव अपने आप होता है, बदलाव करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जबरदस्ती किसी चीज को करते हैं वो बदलाव कुछ क्षणिक हो सकता है, 1 घंटे के लिए हो सकता है, जबरदस्ती किसी से करवा सकते हैं आप, लेकिन आजीवन नहीं। लेकिन योग की चीज आजीवन की बात कही जाती है। तो कहते हैं ब्रह्मचारी, ये 4 आश्रम हमारे यहां बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य।
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 25 साल की उम्र में, 25 के नीचे ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसी अवस्था में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, उसमें आपकी मास्टरी आएगी ही। उसके ऊपर जाने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। कोई आप आसन करते हो या प्राणायाम करते हो, ध्यान कर, उसके बाद जो है थोड़ा समय लगता है। 50 साल के बाद और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। 70-75 और कठिन हो जाता है। इसका मतलब वो कर ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। हठ योग तो कहता है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जवान हो, बुढ़ापा हो, बहुत ही बीमार हो, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन यहाँ पे जो अंडर 25, 25 साल के अंदर वाले, वो सब सारे अभ्यास कर सकते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है बात। लेकिन बाकी के लिए फिर वहां पे कुछ बाधाएं रहेंगी, उसके अनुसार ही करना पड़ेगा। लिमिटेशन उनके लिए सामने आ जाएंगे, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। उनको समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये 1 साल में पारंगत हो जाएंगे। कहते हैं ब्रह्मचारी मिताहारी। मैंने पहले ही भोजन के बारे में आपको बताया कि खाली पेट होना चाहिए। जब भी अभ्यास आप करें, योग की कोई भी अभ्यास आप करें, खाली पेट होना चाहिए। मल मूत्र का त्याग हो जाना चाहिए। वो मलाशय भी आपका भरा हुआ है, मूत्राशय भी आपका भरा हुआ है, और अभ्यास आप करने जा रहे हैं तो इसमें आपको बीमारियां ही होने वाली हैं। आज जो 99% बीमारियां लोगों में पैदा हो रही हैं, उसका कारण यही है। इसलिए ये दोनों बिल्कुल साफ होने चाहिए, तब अभ्यास आपका बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही सार्थक हो जाएगा, बहुत जल्दी उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। मिताहार का सब जो है संकल्पना है योग में, मित यानी संतुलित भोजन होना चाहिए। बहुत ज्यादा भोजन करें, जैसे मैंने बताया एक्सेस भोजन हो गया, तो 6 से 8 कम से कम होना चाहिए। लेकिन मिताहार का मतलब है जो भी आपकी भूख है उतना खाएं, भूख से ज्यादा ना खाएं। अगर आपको खाने की क्षमता मान लो 4 रोटियां हैं, तो आप 3 ही खाएं, एक छोड़ दीजिए, मिताहार में आ जाएगा। सात्विक भोजन की बात कही जाती है योग में। अगर इसका आप पालन करते हैं, मिताहार का पालन करते हैं, तो आपके अभ्यास में दृढ़ता बहुत जल्दी आ जाएगी। जो भी आप अभ्यास है, आप क्रियाएं कर रहे हो, आसन कर रहे हो, प्राणायाम, डजेंट मैटर, आप कौन सा अभ्यास कर रहे हैं, अगर इसका पालन करते हैं तो बड़ी जल्दी जो है आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। और तीसरा है त्यागी, त्याग की भावना। जिस समय भी जो भी आप अभ्यास करना चाहें, इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी बताया, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथे उचा अल्पाहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी अपने लक्ष्य। तो पूरा त्याग होना चाहिए, जो अभ्यास करें तो उसी के ऊपर ही आपका रहा, बाकी फोकस होना चाहिए, बाकी दूसरी तरफ आपका मन नहीं जाना चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, जब तक उसमें आप पारंगत नहीं होते, पूरा उसी में आपको लग जाना चाहिए। कि आप पढ़ने के लिए गए, अभ्यास करने के लिए गए हैं, और फिर घर से फोन आता है कि ऐसी ऐसी चीजें ऐसे आपको करना है, वहां टेंशन आपको बढ़ गया। अगर उस टेंशन में आप योगा अभ्यास करते हैं, तो विकार उसमें पैदा होगा, वो दूर नहीं करेगा। इसीलिए तो कहते हैं सुराज्य धार्मिक देशे, हठ योग में ऐसा बताया जाता है। अच्छा, जहां पे वातावरण हो, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसी जगह पर अगर आप अभ्यास करते हैं तो बड़ी जल्दी सफलता मिल जाएगी। एकांते मठिका मध्य, ये भी बताया जाता है, एकांत में जहां कोई शोरगुल ना हो, आवाज ना हो, आप वहां अभ्यास करेंगे, शोरगुल हो रहा है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, एक बार आप पारंगत हो गए अभ्यास में, फिर कितना भी शोरगुल हो आपको अटैक नहीं करेगा, लेकिन शुरुआत में अनुशासित करने के लिए अपने आप को वहां पे वो तो करना पड़ेगा। नहीं तो आप अभ्यास करने बैठे और उसके बाद वहां कोई शोरगुल हो गया और फिर आपको वहां पे गुस्सा आ जाएगा, तो उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं, तो विकार अपने आप पैदा हो रहे हैं, जहां निकालना है वो पैदा हो रहा है। तो इस चीज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आजकल तमाम मैं देखता हूँ, फेसबुक पे लोग डालते हैं, व्हाट्सएप पे लोग डालते हैं, कहीं किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कर रहे हैं, किसी पत्थर ऊंची नीची जगह पर कर रहे हैं, लेकिन यो करना न तो ऊंची जमीन होना, गीता भी कहती है एक समतल जमीन होनी चाहिए योगाभ्यास के लिए, दिखावे के लिए योगा नहीं होता है, केवल एक पत्थर पे एक पैर पे खड़े होकर दिखा रहे हैं, देखो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। योग कभी भी इसके बारे में नहीं बोलता है, योग के किसी भी शास्त्र में आप देख लीजिए, कहते हैं समतल जमीन होनी चाहिए, जिसमें आराम से जहां पे आप बैठ सके, जहां पे आराम से आप अभ्यास कर सके, ऐसी जमीन होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अभ्यास, योगिक अभ्यास में अगर आपको इंटर करना है तो सर्व चिंता विवर्जिता, सभी चिंताओं से आपको मुक्त होना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। और चिंता में घिरे हुए हैं, योग भी करें, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए योग में महत्वता जो है, योगासनों में महत्वता जो है, शवासन का बहुत दिया जाता है, समय जायते शवासन, बड़े क्लियर कह रहे हैं, शवासनम शांति हरम चित्त प्रशांति कारिकम, शरीर का थकावट दूर करता ही साथ मानसिकता को भी, अगर मानसिक रूप से विकार है, थकावट है, टेंशन है, तो भी दूर करता है, इसलिए सबसे पहले अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाए, सर्व चिंता विवर्जिता, एकदम अपने आप में समाहित हो जाए, फिर आप योग अभ्यास करें, देखिए आपका कैसे नहीं बढ़ता है योग का अभ्यास, कैसे आप उसमें आपको सिद्धियां नहीं मिलती हैं, कैसे आप उसमें पारंगत नहीं होते हैं, कैसे उसमें आप सफलता नहीं मिलती है, आराम से आसानी से बिना किसी तकलीफ के हो जाएगी, लेकिन चिंताओं से घिरे हुए हैं और अभ्यास को भी कर रहे हैं, सालों साल करते रहिए, उसी में आप अटके रहेंगे, इसलिए इससे भी जो है दूर रहना है आपको। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं योग के क्षेत्र में, जब भी आप कोई अभ्यास कर रहे हैं, बहुत बार हम किताबों में पढ़ के कर, लेकिन उसमें क्या लाभ हानि है, उसमें बहुत सारी किताबों में लिख दिया जाता है, हम समझ भी उसे नहीं पाते हैं, लिखने वाले को भी नहीं समझ रहे कि क्या उसने लिख दिया है, लेकिन उसी को मान के हम करते रहते हैं, और उसको करते करते बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। हमने बहुत सारे अभ्यासी को देखा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, किताब में पढ़कर गलत अभ्यास कर लिया, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अभ्यास करता है करना है तो गुरु प्रदिष्ट मार्गेण, गुरु के आदेशानुसार ही अभ्यास करें, किसी भी योग शिक्षक के देख रेख में ही अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसमें आपकी सफलता अच्छी तरह से मिलेगी, नहीं तो आप योग के नाम पे कुछ और ही करेंगे और अपने आप को प्रताड़ित करेंगे, अपने आप में और सारी विकारें पैदा कर देंगे, कुछ विकारें दूर होंगे, कुछ विकारें और आप पैदा कर लेंगे, गलत अभ्यास करेंगे, गलत अभ्यास आएगा इफेक्ट उसका, इसलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है हमें कि किसी भी योग शिक्षक के देख रेख में ही अभ्यास करें। और हठ योग में तो यहां तक भी बताया गया, जहां पे पाधक तक तो बताया, सबसे पहला स्थान उन्हें अत्याहार का दिया है, इसीलिए हमने अभी आपको बताया मिताहार का कंसेप्ट, अत्याहार दूर करो, मिताहार को अपनाओ, लेकिन नहीं तो आजकल हर 2 मिनट पे कुछ खा रहे हैं, कभी कोई बिस्किट खा रहा है, कभी नमकीन खा रहा है, कभी पकौड़े खा रहा है, समोसे खा रहा है, हर 2 मिनट पे खा रहे हैं, अरे क्या पूरा गार्बेज बैग बना दिया है क्या, कूड़ादान बना लिया अपने पेट को, ना 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 ना, बिल्कुल गलत बात है, अपनी क्रिया के अनुसार, अपने पूरे दिन के एक्टिविटी के अनुसार उस प्रकार से आप भोजन निर्धारित कीजिए, एक बार करें, 2 बार करें या 3 बार करें, बहुत श्रमिक हैं तो 3 बार नहीं तो 2 बार, और भी कुछ भी नहीं करते, केवल अभ्यास ही साधना ही करते हैं तो 1 बार ही बहुत है, लेकिन अच्छा भोजन होना चाहिए। उच्च भोजन में के लिए हठ योग में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है किस प्रकार से भोजन करते हैं, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषण, जो पुष्टकारी हो, जो शक्तिशाली हो, जो हमें शक्ति प्रदान करने वाला हो, ऐसा भोजन होना चाहिए, सुमधुर हो, मिठास हो उस भोजन में कि खाने के बाद मन विचलित हो जाए, ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए, स्वाद उसमें आना चाहिए, हाँ बड़ा अच्छा है, ताजा है, बासी नहीं है, मिर्ची मसाला उसमें ज्यादा नहीं पड़ा हो, इस प्रकार का भोजन हो जाए,
स्निग्धम, थोड़ा सा उसमें तेल या घी का प्रयोग होना चाहिए। वैसे योग में घी का ही ज्यादा महत्व है, घी में भी गाय का दूध गव्यम, गाय का चाहे उसका दूध हो, चाहे उसका मठा हो, चाहे उसका घी हो, गाय के द्वारा बनी हुई चीजों का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो भैंस के दूध का भी प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपके लिए उपयुक्त है उसी को ही आप लीजिए। और फिर कहते हैं योग परायण, योग में आपका मन लगना चाहिए। किसी ने कहा दिया है, किसी ने भैंस करवा रहा है, तब आप योग करें तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपने अंतःकरण से नहीं मुझे ये करना है, अगर मुझे करें मेरे लिए अच्छा है, जब तक आपके अंदर ये नहीं आएगा, किसी के दबाव में करके अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, उससे विकार ही पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस चीज का बहुत ही आपको ध्यान देना होगा। अगर नहीं ध्यान देते हैं तो तकलीफें आपको बढ़ेंगी। अभ्यास करते समय छोटी छोटी चीजें जो हैं हमें बहुत ध्यान देना है, जो कि हमें बहुत तकलीफें दे देती हैं। हम करते तो हैं अभ्यास, लेकिन हमें तकलीफें बहुत हो जाती हैं, दिखावे के लिए केवल कर देते हैं। जैसे बहुत बार कभी कभी लोग कह देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, कहीं भी अभ्यास कर लो, योग के लिए होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं हो, तो लोगों को कमर में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, ऊटी नीची जमीन होने के कारण भी इस प्रकार से होता है, बहुत कोलाहल है। क्योंकि अगर आप अच्छे अभ्यासी नहीं है, कोलाहल वहां कर रहे हैं तो बार बार मन उधर ही जाएगा, कोई संगीत ही चाहे हो रहा है, या कोई पटाखे फूट रहे हैं, या कोई झड़ा लाई कर रहा है, अगर उधर बार बार मन उधर ही आपका भटकेगा तो जो अभ्यास करें उसका कोई उपयोगता नहीं। इसलिए कहते हैं बिल्कुल शांत प्रिय जगह होनी चाहिए, कहीं भी, और हवादार जगह होनी चाहिए, थोड़ी हवा भी मिलनी चाहिए, बहुत धूप नहीं होनी, खुले में नहीं होनी चाहिए, खुला है बहुत धूप है तो उसमें नहीं करें। हाँ छायादार जगह है तो वहां पे आप कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह में आप अभ्यास करना चाहिए, खुले में कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में नहीं। वैसे दोपहर में करने की चर्चा योग में नहीं है, या तो सुबह करें या शाम को करें। लेकिन फिर भी आजकल का काम लोगों का ऐसा आगे पीछे हो गया है तो उनके लिए दोपहर में किया जा सकता है, लेकिन पेट खाली होना चाहिए, धूप में बाहर नहीं होना चाहिए, किसी एकांत जगह रूम में अच्छे प्रकार से आप कर सकते हैं, इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। योग का अभ्यास जो आप चाहे आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर, जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं, उस समय जहां पे कर रहे हैं एक अच्छी साफ सुथरी शुद्ध चटाई हो, चादर हो या कंबल हो, कोई भी एक अच्छी तरह से वहां पे बिछा के उसके ऊपर करें। लेकिन आजकल तो देखा जाता है कहीं भी लोग मिट्टियों में भी कर रहे हैं, ठीक। हाँ शुद्ध घास, कहीं पे घास शुद्ध है, वहां पे चींटी कीड़े मकोड़े नहीं है, तो वहां पे करो जो ठीक है, साफ सुथरी है। तो बाकी वैसे जमीन पे डायरेक्ट करने के लिए योग कभी भी अलाउ नहीं करता है, कम से कम आप एक धुला हुआ चादर वहां पे आपका होना ही चाहिए। अगर कुछ प्रकार के आप योग नहीं करते हैं तो योग के अभ्यास के साथ साथ आप हो सकता है अपने आप में विकार पैदा कर लेंगे। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आजकल हम देखते हैं बहुत जगहों पे लोग अभ्यास करते हैं जो वस्त्र का कोई ध्यान ही नहीं देते हैं लोग, कोई बहुत टाइट पहने हुए हैं। जी अगर टाइट आप कर रहे हैं तो अभ्यास आप करेंगे, कहीं भी आगे मुड़े, दाएं मुड़े, ट्विस्ट करें, शरीर में मरोड़ दे तो पकड़ लेगा आपको, तो कैसे इफेक्ट होगा उसका, अभ्यास से हो ही नहीं सकता। और आज तो कितने कितने प्रकार के कपड़े आ गए हैं, लेकिन योग तो कहता है सूती वस्त्र हो, काटन का कपड़ा, और जो भी कपड़ा पहने बिल्कुल ढीला होना चाहिए, अभ्यास के दौरान कहीं भी वो पकड़ना नहीं चाहिए, या बिना कपड़े के करें नीचे का वस्त्र पर पहने, कपड़ा जो है ढीला हो कि अभ्यास के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए, कहीं उसको आप रुकावट ना होने पाए, इस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए आपका, तब आप अभ्यास में पारंगत बहुत जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो आपकी तकलीफें बढ़ेंगी। जो अभ्यास आप करेंगे उसका प्रॉपर इफेक्ट आपको होगा नहीं, वो तो ब्लॉक कर देगा, इवन खून का दौरा तक भी ब्लॉक कर देता है वो, तो इसलिए ऐसे अभ्यास ना करें। कहीं दौड़ के आप आ रहे हैं, खूब थके हुए हैं,
या आपको बुखार हो गया है, या बहुत किसी तनाव में पड़ गए हैं, कोई घटना घट गई आपके साथ में, ऐसी अवस्थाओं में आपको अभ्यास नहीं करना है। अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर का प्रताड़ना देते हैं। तो क्या करना है उस समय? हाँ, उस समय शवासन आप कर सकते हैं। शवासन करके आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, एक, जब तक बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाए। हाँ, लेकिन बुखार है तो बिल्कुल करना ही नहीं, तो कभी अभ्यास नहीं करना। शवासन तो कर सकते हो, लेकिन बाकी थकावट में शवासन रेस्ट लेकर के अभ्यास कर सकते हो, आसन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। आप दौड़ के आपको प्राणायाम करने के लिए प्राणायाम कर पाओ? नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो अपने आप को प्रताड़, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं आप। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको थकावट की अवस्था में, या बुखार है, या कोई बीमारी है, तनाव में है, या आसन को जल्दबाजी 5 मिनट के अंदर सारे आसन खत्म हो। इधर एक तरफ तो कह रहे हैं स्थिर सुखम आसन रत्न से तुल्यानंद समापत्ति पर, एक तरफ जो है आप झटाफट फटाफट 5 मिनट सारा आसन हो गया। हाँ, सब आसन हो गया। धीरे धीरे आसन होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। एकाग्रता जो आसन का उस आसन से संबंधित होना चाहिए। चाहे आप प्राणायाम करें, उनमें आपकी सांस की गति कैसे चल रही है, उसमें अगर आपकी सांस प्रश्वास की गति बढ़ रही है तो समझ लेना कि आसन आप गलत कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत में आने जाने में थोड़ा होता है, लेकिन अंतिम अवस्था में स्टेबल होना चाहिए। सांस पर नाप ज्यादा बढ़े कम हो जाए चलेगा। अगर बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब आप जोर जबरदस्ती वहां पे कर रहे हैं, तभी आप सांस की बढ़ रही है। और अक्सर मैं देखता हूँ लोग अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के बाद पूरा सांस बढ़ जाती है, और फिर कहते हैं हम योग करके, योग नहीं, वो तो एक्सरसाइज हो गई योग के नाम पे, पसीना निकाल लिया वो योग हो गया, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, स्नान का पहले करें बाद में करें। देखो भाई, अगर पसीना आपको हो गया अभ्यास करने के बाद, तो आपको स्नान कम से कम 20 मिनट बाद आपको करना ही है, 15, लेकिन तुरंत ना करें। वैसे योगाभ्यास के पहले स्नान कर लेते हैं तो आपका योगासन बहुत अच्छा होगा। वैसे जैसे मैंने बताया कि अगर जैसे जैसे सिद्धियां आपकी योग अभ्यास में बढ़ेंगे, आप कोई भी अभ्यास में बढ़ते जाएंगे, तो उस समय जो है अपने आप पसीना कम होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि उस अभ्यास करेंगे पसीने नाप मात्र का भी आपको नहीं होगा, जब तक विकार है पसीना बाहर निकलते रहेंगे रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रतिदिन वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसी अभ्यास करेंगे आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विकार निकल गया, गंदगी सब बाहर हो गई, खत्म हो गई। अभ्यास, रेगुलर अभ्यास अगर आप करते हैं तो ये अपने आप होता है। अगर किसी को बहुत कोई पुरानी बीमारी है, चाहे हृदय की बीमारी हो, चाहे रक्त संचार का हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज का हो, अस्थमा का हो, आर्थराइटिस का हो, स्पॉन्डिलोसिस का हो, जो भी हो, पुरानी कोई भी बीमारी है, नई कोई हुई तुरंत तो हो गई है, तो कम से कम 3 से 7 दिन तक कोई अभ्यास न करें। पुरानी कोई अगर बीमारी है तो अपने आप सुन करके, टीवी में देख करके अभ्यास न करें। पहले अपने डॉक्टर से, जो अपने फैमिली डॉक्टर, उससे राय ले लें क्या हम अभ्यास कर सकते हैं, या योग एक्सपर्ट जो है उससे पूछें कैसे ऐसे तकलीफ है, हम ये अभ्यास कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारे अभ्यास करना बहुत ही नुकसानदेह होता है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे हम बहुत सारी चीजें देखे हैं, ब्लड प्रेशर है अभ्यास करते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता जा रहा है, अर्थराइटिस है अभ्यास करते जा रहे हैं, क्या नहीं करना जो उनको पता नहीं और तकलीफ बढ़ गई, स्पॉन्डिलोसिस है अभ्यास कर रहे हैं उनको पता नहीं कि नहीं करना चाहिए, बैकेक है उनको पता नहीं कि बैकेक में नुकसान करेगा कि नहीं होगा, अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मार डालती हैं, धराशाही कर देती हैं। इसलिए योग का अभ्यास हमेशा किसी की देख रेख में ही करना चाहिए, और अगर कोई भी आपकी तकलीफ है तो पहले अपने डॉक्टर से या एक्सपर्ट से सलाह ले लें कैसी समस्याएं हैं। बीमारी कभी भी अपना छिपाए नहीं, अगर छिपाते हैं तो आपको तकलीफ होगी। जैसे पहले मैंने बताया
बीमारों के लिए योग तो नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल अभ्यास हैं। सभी अभ्यास नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल अभ्यास हैं, उन्हीं अभ्यास को भी आप करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है अभ्यास के दौरान, आजकल जो देखा जाता है लेडीजों में, जैसे किसी को प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में ऐसे समय में भी अभ्यास नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो भी नुकसान करेगा। किसी भी बीमारी में मेंस्ट्रुएशन हो या प्रेगनेंसी, अभ्यास नहीं। हाँ, जिसमें प्रेगनेंसी है उसमें प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिसको आप कर सकते हैं, इसलिए एक्सपर्ट योगा टीचर से राय लेके ही करें, नहीं तो अपने हिसाब से आप करते रहें। किस महीने में कौन सा अभ्यास करना, हर एक महीने के लिए अलग अलग अभ्यास भी, उसमें भी लास्ट डे तक भी अभ्यास है कि लास्ट डे जिस दिन बच्चा पैदा हो वहां तक भी कर सकते हैं, और जो आज का सीजन दिन चल रहा है ये भी गायब नहीं होगा, लेकिन अपने आप को ये अभ्यास बिना जाने समझे कर लेते हैं तो इसमें आपको नुकसान होगा। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि इन दोनों समय में, मेंस्ट्रुएशन के समय में और प्रेगनेंसी के समय में अभ्यास ना करें। प्रेगनेंसी में कम से कम 3 दिन तक तो अभ्यास, 3 दिन के बाद आप कर सकते हैं। और जो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि हम अभ्यास के दौरान ही, शुरुआत में ही, जैसे हमने शुरुआत किया, सबसे पहले हमने प्राण, योग शांति का प्रतीक है, प्रार्थना भी शांति की प्रतीक। योग शुरुआत करने के पहले या तो कोई भी प्रार्थना जो आपको प्रिय है कर ले, या उसे केवल शांत बैठ जाएं, मन को अपने श्वास पर श्वास को प्रार्थना करनी है कोई जरूरी है, मन के ऊपर ध्यान दें और अपने सांस के ऊपर ध्यान दें, वैसे आंख बंद करके 2-3 मिनट से बैठ जाएं, अपने आप को देखें, भी एक प्रार्थना के बराबर ही रहेगी। प्रार्थना जब करते हैं तो अपने शांति के लिए ही करते हैं। योग जो है शांति का ही प्रतीक है, जहां शांति है वहीं पर योग है, जहां अशांति वहां योग कैसे, या जहां योग है वहां शांति आ ही नहीं सकती, इसलिए जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी योगा का अभ्यास आप शुरू करें तो शुरुआत भी प्रार्थना या शांतपूर्ण ढंग से करें और अंत भी प्रार्थना या शांतपूर्ण ढंग ओम के द्वारा भी कर सकते हैं, या उसे शांत बैठ के ध्यान के द्वारा भी खत्म कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। एक महत्वपूर्ण और चीजें हैं जो हमारे कैवल्य धाम में स्वामी के जमाने से ही बताई जाती है कि अभ्यास के दौरान अपने सांस को कहीं रोकना नहीं। हाँ, जहां आवश्यकता पड़ेगी सांस अपने आप रुक जाएगी, जैसे पैरों को ऊपर उठाना है सांस वहां रुक जाती है, लेकिन तुरंत नहीं आता, शलभासन है पैर उठाते सांस रुक जाती है, या बहुत जगह पे अभ्यास है सांस लेते समय पीछे सांस निकालते समय आगे की ओर ऐसे भी सिखाया जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल है कि आप आगे की ओर झुकेंगे, आपका पेट में दबाव होगा, सांस आपका बाहर होगी, आप पीछे की ओर जाएंगे, आपकी छाती फूलेगी, सांस अंदर जाएगा, तो नेचुरल है, लेकिन ये डिस्टर्ब सांस प्रश्वास आपकी हो चुकी है, इसलिए आपकी ट्रेनिंग लोग देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन उसके जब अभ्यस्त हो गए तो उसके बाद नेचुरल लगे आप इस समय निरंतर सांस लीजिए, पूरे अभ्यास के नेचुरल होनी चाहिए। ऐसे हमारे गुरु ने सिखाया था तो जीवन वही कर, जीवन वही करना ना, एक बार उसके अभ्यास हो गया तो अपने आप तो होगा ही, पकड़ लेगी आपकी शरीर, यहाँ कैसे, जब आप आगे झुकेंगे सांस निकलेगी ही बाहर, पीछे झुकेंगे ट्विस्ट करेंगे तो भी सांस निकलेगी, भाई मरुड़ों के कपड़े को निचोड़ते हो तो पानी उसमें बाहर निकलता है कि नहीं निकलता, जैसे उसको ढीला छोड़ दो तो अपने आप ही फैल जाता है, तो नेचुरल है, इस चीज का भी हमें ध्यान देना है, सांस को नहीं रोकना है अभ्यास के दौरान, नेचुरल रखना है, सामान्य रूप से जैसे सांस चलती है अपने अभ्यास के अनुसार, कहीं हो सकता है सांस की बढ़ भी जाए, कहीं स्लो भी हो जाए, ये हो सकता है अभ्यास के, अभ्यास के अनुसार ही डिपेंड करता है, किसी के अभ्यास में बढ़ सकता है, किसी में कम हो सकता है, नेचुरल चले तो ना आप उसको क्यों डिस्टर्ब करते हो। और एक महत्वपूर्ण जो कि हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, अगर सिर का अभ्यास हम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर की होना चाहिए, हाथों का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा ध्यान हाथ पे ही रहना चाहिए, एकाग्रता हमारे हाथ पे रहनी चाहिए, पैरों का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी एकाग्रता पैर पे होनी चाहिए,
पेट से संबंधित अभ्यास करना था हमारे कक्षा में पेट क्यों चाहिए, लंग्स के लिए अभ्यास करना था हमारे कक्षा में लंग्स। जिस अंग से संबंधित जो अभ्यास आप कर रहे हैं एकाग्रता आपके उसी अंग के ऊपर ही होनी चाहिए, तब आप उस अभ्यास में बड़े जल्दी सफल होंगे। नहीं तो अभ्यास आप करते रहे एकाग्र मन इधर उधर भटक रहा है, कोई उपयोग नहीं, सालों साल आप अभ्यास करते रहे कोई भी उसकी उपयोगिता नहीं होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही साथ एक चीज हम आपको बता दें, अक्सर एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम जितने खींच तनाव के साथ योग का अभ्यास करें उतना फायदा होगा। ये बहुत बड़ी भ्रांति हमारे यहाँ फैली हुई है, जितने टाइट करके करें बहुत उसका इफेक्ट, नो, ये टोटल गलत है। अभ्यास में बिल्कुल रिलैक्स होके करना चाहिए, टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ सीधा होना इंपॉर्टेंट है, हाथ जैसे उंगलियां हमारी सीधी है सीधी है, लेकिन तो टाइट कर दिए तो देखो इसमें बिगाड़ आ सकता है। तो टाइट करके कड़ा करके शरीर को अभ्यास न करें, इसमें मसल्स में तकलीफें आपके आ सकती हैं, सर्कुलेशन में भी तकलीफ आपके आ सकती हैं, आपके मन में भी तकलीफें उससे बढ़ सकती हैं, ये संभावना है, विकार होता ही है। इसलिए ये ध्यान रखें अभ्यास के दौरान शरीर को कड़ा करके ना करें। जब भी आप अभ्यास करें अपनी क्षमता के अनुसार करें, क्योंकि हर एक की क्षमता अपनी अपनी अलग अलग होती है, हर एक की शरीर की बनावट अलग अलग होती है, बहुत सारे अभ्यास स्त्री पुरुष में भी बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। अपने आपके शरीर की बनावट कैसी है, 25 साल का चार प्रकार के बच्चों को खड़ा कीजिए लेकिन चारों में डिफरेंट मिल जाएगा शरीर की बनावट में, तो अभ्यास आप करते उसमें भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए कभी किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी को नकल नहीं करना है, आप अपने अनुसार ही आपको अभ्यास करना है, इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। क्षमता से अधिक आप बढ़े कि आपके विकार वहां से शुरू हो। आज ये नाना प्रकार के जो विकार पैदा हो रहे हैं, कमर दर्द, गर्दन दर्द, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम गलत अभ्यास करते जा रहे हैं। हम अभ्यास करें फिर भी हमें इतनी तकलीफें क्यों होती जा रही हैं? गलत अभ्यास के कारण जबरदस्ती हम करें, गॉलब्लैडर पूरा भरा हुआ है, मलाशय पूरा भरा हुआ है, फिर भी हम अभ्यास कर रहे हैं, हेडेक तो आपको बढ़ेगा ही ना, ब्लड जो है आपका दूषित होगा ही ना, तो बीमारियां तो आपको सैकड़ों अपने आप पैदा होती चली जाएंगी ना। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि जो अभ्यास आप करते हैं एक ही प्रकार का अभ्यास है, मान लो कोई आगे झुकने का अभ्यास कर रहे हैं, पीछे झुकने का अभ्यास कर रहे हैं, जो है एक संतुलित रखने की स्थिति है। तो इसलिए जो हम योगासन भी हम करें तो आगे झुकने का, पीछे झुकने का, ट्विस्ट करना है तो दाएं ओर बाएं ओर झुकना है, साइड में दाएं ओर बाएं ओर, पंजों के बल से सिर के बल, हर प्रकार का अभ्यास, तभी तो संतुलन पैदा होगा, नहीं तो संतुलन आएगा कैसे? संतुलन आ ही नहीं सकता है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी जल्दी जो है अपने अभ्यास में बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है समय ज्यादा हो रहा है क्या? आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ समय ज्यादा हो गया? जी नहीं सही है सर। और समय ले सकते हैं? हाँ सर, यहीं पे समाप्त समय करते ले हैं? लीजिए थोड़ा। जी जी यहीं पे समाप्ति, क्योंकि टाइम दिया गया है, अभी एक दूसरे स्पीकर भी जुड़े हुए हैं सर। अच्छा ठीक है, फिर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जी जैसे मैंने पहले बताया कि योगा का अभ्यास जब हम करते हैं शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, समाप्ति भी शांतिपूर्ण ढंग से ही करते हैं, हम यहाँ पे तीन ओम के द्वारा समाप्ति कर रहे हैं।
शांति शांति शांति। धन्यवाद सर। जैसा कि आपका टॉपिक ही था प्रिस्क्रिप्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा प्रैक्टिस, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विस्तार से, बहुत सरल शब्दों में बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखा। ये वास्तविक है सर कि हम योग के नाम पे बहुत सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसका कोई भी हमको फायदा एडवांटेज नहीं मिलता है। आज आपने जिन बारीकियों के साथ इन सारी चीजों को स्पष्ट किया, हमको खुद ही, हम लोगों को स्वयं रियलाइज होना शुरू हो गया कि हमको क्यों बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम उसे प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, प्रैक्टिस में नहीं करते हैं, उन सावधानियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। सर धन्यवाद, आपका बहुत बड़ा अनुभव है, आप बहुत बड़े योगाचार्य हैं और आपने अपने अनुभव को किस सरल शब्दों में हम लोगों के साथ साझा किया सर, आपको धन्यवाद। अब हम अपने सेकेंड स्पीकर डॉक्टर सचिन उपाध्याय, मेडिकल ऑफिसर ऑफ जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय और जिनका टॉपिक है आयुर्वेद एवं योग की प्रासंगिकता, द रिलेवेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा, पे सर का उद्बोधन, सर के विचार और सर के अनुभव हम लोगों के साथ साझा होंगे। तो इनवाइट करती हूँ मैं डॉक्टर उपाध्याय सर। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी विद्वज्जनों को भी प्रणाम कर रहा हूं। जैसा कि मेरे विषय को आप लोग समझ ही रहे होंगे, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, मनोविज्ञान में भी मैं अध्ययनरत हूं। हम अपने अनुभव और अपनी जो भी ज्ञान हमने अभी तक थोड़ा बहुत अर्जित किया है, वैसे तो ये अनंत है, अनंत है। सबसे पहले आयुर्वेद के प्रयोजन को हमें जानना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद का प्रयोजन किसी से छुपा नहीं है, फिर भी शास्त्र में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये पूरी एक लाइन है और इसके दो भाग हैं। एक पहली लाइन को हम देखें कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का मूलभूत प्रयोजन है, पहला प्रयोजन है, पहला स्टेप है। अब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा बहुत बड़ी बात है, तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि स्वस्थ कौन है। स्वस्थ कैसा होता है, जिसके स्वास्थ्य की रक्षा हमें करनी है, हमारे अपने सिद्धांतों पे, हमारे अपने नियम पे, हमारे अपने अनुशासन पे, आहार विहार व्यवहार जैसा शास्त्र में उल्लिखित है। तो शास्त्र में कहा गया, जैसा कि अभी भरत सिंह जी ने बताया कि योग जो है, जो ब्रह्मचारी हो, जो मिताहारी है, जिसकी मल मूत्र की क्रियाएं सामान्य हो, उसके अंदर त्याग की भावना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए योग का निर्देश किया गया है शास्त्र में।
आयुर्वेद योग अलग नहीं है, लेकिन शास्त्र में स्वस्थ व्यक्ति के बारे में कहा गया कि सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मलह क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जैसा कि सम दोष से तात्पर्य है आयुर्वेद का मूल वात पित्त कफ, तीन दोष हैं शरीर में, इनकी समान अवस्था वात पित्त कफ तीनों की समान अवस्था से तात्पर्य यह नहीं है कि वह एकदम एक जैसा होना चाहिए। सबकी प्रकृति अलग है, कोई वात प्रधान है, कोई पित्त प्रधान है, कोई कफ प्रधान है, लेकिन उसकी अपनी जो प्रकृति है वो बैलेंस होनी चाहिए, उसकी समानता बनी रहनी चाहिए। जैसा कि यह तमाम शोध के बाद भी यह निष्कर्ष निकल चुका है, अब भी निकल चुका है, मेडिकल साइंस भी मानता है कि वात पित्त कफ जो त्रिदोष के रूप में है और सत्व रज तम ये त्रिगुण है, तो त्रिगुण और त्रिदोष के बैलेंस की स्थिति रहती है तो शरीर में सम दोष माना जाता है। समान धातुओं का समान होना शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सभी की अवस्था जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है मेडिकल साइंस में, जिसको कि एक मानक मान लिया गया है, वह केवल एक बिंदु है कि धातुएं समान अवस्था में होनी चाहिए और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी भी समानता होना उतना ही आवश्यक है जितना कि त्रिगुण का, त्रिदोष का और धातु का, मल मूल का उत्सर्जन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर का होना। अब इतनी चीजें, इनमें से केवल मेडिकल साइंस में आजकल हम ध्यान देते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा है कि नहीं है, हमारी प्लेटलेट्स अच्छी है कि नहीं है, मेडिकल में जो आज के पैरामीटर हैं कि आदमी के स्वास्थ्य का परिचायक एक फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें कुछ निर्धारित चीजें हैं जिनमें केवल और केवल हमारी धातुओं के बारे में आकलन कर लिया गया, हमारे आंख का विजन देख लिया गया, हमारे सुनने की स्थिति सामान्य मान ली गई, मन की स्थिति का कोई आकलन नहीं होता है। अगली लाइन ये है कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, इसका लोप जैसा हो गया है कि हमें अपनी इंद्रियों का, हमें अपने मन का, हमें उनकी प्रसन्नता का कोई उसमें समावेश नहीं माना गया है, और आत्मा का तृप्त होना, जैसा कि अभी भरत जी ने कहा कि त्याग की भावना जिसमें नहीं है उसके लिए भी योग निर्दिष्ट नहीं है, तो मैं उसको दूसरे रूप में यहां मैं देख रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इसको बड़ी ही सरलता और सहजता से रखा कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, तो मन का प्रसन्न होना, इंद्रियों का प्रफुल्लित होना और आत्मा को तृप्त होना चाहिए। अब अगर हम इस केवल एक छोटी सी परिभाषा को परिभाषित करें तो हम ये देखते हैं कि हमें लगता है कि कोई स्वस्थ ही नहीं है। शायद मेरी बात से कोई एक भी हो तो मुश्किल मुझे लगता है कि जो इससे इत्तेफाक नहीं रखेगा कि आज के समय में जो भागदौड़ की जिंदगी है, जो
आगे बढ़ जाने के प्रतिस्पर्धा है, उसको अगर देखें तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी इस परिभाषा के अंतर्गत स्वस्थ माना जा सकता है। कोई अपनी नौकरी में अपने घर से 500 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है, इसलिए उसके मन में उतनी प्रसन्नता नहीं है, माता पिता कहीं कष्ट में हैं, कहीं बच्चे कहीं हैं, कहीं पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तमाम ऐसी बातें जो कि जो है उसके स्वास्थ्य पर धीरे धीरे एक प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जो स्वस्थ नहीं होने रहने दे पाती। लेकिन हम उसको कहीं भी ना उसको स्थान देते हैं, ना हम उसको समझ पाते हैं। तो आयुर्वेद की प्रासंगिकता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम केवल उसकी एक परिभाषा और एक लाइन, जो पहला प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, तो जब आज की डेट में कोई स्वस्थ ही नहीं है, या स्वस्थ होने का जो एक पैरामीटर यानी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उसको हम फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोई कहीं भी नौकरी में जाता है तो उसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर लगाना पड़ता है, और सभी लोग फिट होकर के और नौकरी ज्वाइन करते हैं, और वहां जाकर हो सकता है कि उनके मन में कोई अभाव है, कहीं उनके ट्रांसफर में प्रभाव है, उनके जो है विषय में कोई कठिनाई है, उनके आवास में कोई बात है, या एक मानसिक विकार हो सकता है, या एक क्षणिक समस्या हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर निरंतर पड़ता रहता है, जिसके कारण वह रोगी की श्रेणी में आ जाता है। तो हम पहले प्रयोजन को तो जैसा कि भरत सिंह जी ने कहा कि भाई इन लोगों के लिए तो योग है ही नहीं, यह स्वस्थ लोगों के लिए है, तो आयुर्वेद का पहला प्रयोजन तो यहीं पर अनुपयोगी जैसा हो जाता है, या ये कहें कि भाई हम उसका प्रयोग उतनी स्वच्छंदता से नहीं कर सकते हैं कि हम कोई भी व्यक्ति आए हम उसको कहें कि नहीं भाई आप फिट हो, आप केवल ऐसा आहार विहार करो और आप स्वस्थ रहोगे, ऐसा कठिन है, क्योंकि हमारी जीवन पद्धति निश्चित रूप से आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। इसके पीछे आयुर्वेद में वर्णित है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इन सभी चीजों का निर्णय किया जाना स्थानीय वैद्य के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसा लाइफस्टाइल सजेस्ट करें। आज कोई भी, आज कोरोना महामारी का तांडव हुआ, अभी चल ही रहा है, तीसरी लहर की संभावना भी है, हमें नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिसने गिलोय का काढ़ा नहीं पिया हो, जिसने अश्वगंधा का सेवन नहीं किया हो, दालचीनी नहीं खाया हो, ऐसा एक भी व्यक्ति शायद ढूंढा जाएगा तो मुश्किल है, उसकी अनुपलब्धता हो सकती है, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह से अवेयर है कि नहीं इसका लाभ है, ये इम्यून के लिए इम्यून बूस्टर है, और निश्चित रूप से इसको अगर हम पिएंगे तो हम जल्दी संक्रमित नहीं होंगे, कहीं ना कहीं बचाव है, प्रिवेंशन है। लेकिन आज भी ये कहा जाए कि आयुर्वेद की पूरी जीवन पद्धति पर क्या आधारित लोग हो पाए, नहीं हो पाए। प्रासंगिकता जरूर है, सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन मान्यता नहीं है। अभी इस बारे में तमाम सारी चीजें चल रही हैं, हम लोगों को उस विषय पे नहीं जाना है, हमें अपने आयुर्वेद के क्षेत्र में उस पर चर्चा करनी है, लेकिन हम किसी के गुण की चर्चा तभी कर पाएंगे जब उसमें दोष, उसके प्रभाव,
उसके प्रसार, उसके प्रचार की बातों को, सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो हमें लगता है कि हम केवल स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के, यानी कि जो रोगी है उसके विकार के समन की चर्चा कर सकते हैं और वही इस समय हमारे लिए उपयोगी है। यानी कि आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य है उसके क्राइटेरिया में बहुत कम लोग हैं, ये कहा जाए, नहीं कहना अच्छा नहीं है। लेकिन जो दूसरा है आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, जो रोगी हैं उनके विकार के प्रशमन की, उनके समन की चिंता की जाए, व्यवस्था की जाए, उसके परामर्श दिया जाए, उस पर ही विचार व्यक्त किए जाएं। इस बात पर हम अब आते हैं। आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, अब हमारा यह सिद्धांत आयुर्वेद के ग्रंथ, आयुर्वेद के उपाय, आयुर्वेद की औषधियां, आयुर्वेद के वैद्य हजारों साल पहले जिन चीजों को अपने द्वारा उसके गुण धर्म दोष को जैसा उन्होंने वर्णित कर दिया वैसे ही वो आज भी पाए जा रहे हैं, किंतु उनके उन गुण दोष धर्म को प्रमाणित करने के लिए जो एक प्रमाण पत्र है वह सामान्य वैद्य के लिए बहुत दुष्कर कार्य है। सामान्य व्यक्ति, पहले के समय में ये कहा जाता था कि ये आप्तोपदेश है, आप्तोपदेश पर कोई प्रश्न चिन्ह का सवाल ही नहीं उठता, उसको तो एकदम भगवान का उपदेश मान करके और स्वीकार कर लिया जाता था, उसको सिरोधार्य किया जाता था। आज हमें लगता है कि हजारों साल बाद विज्ञान ने तुलसी को, पीपल को बहुत महत्वपूर्ण पौधे के रूप में स्वीकार किया है, वृक्ष के रूप में स्वीकार किया है, किंतु हजारों साल पहले यह बात हमारे जन जन में व्याप्त है और स्वीकार्य है। कोई पीपल के पेड़ पर उसकी डाल को तोड़ने में भी उसको मानसिक अवसाद होता है, तुलसी के पत्ती को पान करने की बात कही गई है, चबाने तक में लोगों को अपराध बोध होता है। निश्चित रूप से यह बात इसको प्रमाणित करती है कि निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता, उसके गुण इतने विशिष्ट होंगे, इतने जीवनोपयोगी होंगे, इतने प्राणदायी होंगे कि उसको, उसकी अवमानना आदमी सपन में भी नहीं सोच सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। उनके उपयोग के लिए कोई ऐसा न रोक है, न कोई ऐसी टोक है। पहले ऐसा कहा जाता था कि दादी माँ का बटुआ, दादी के नुस्खे, ऐसी बातें कह करके हमारे सभी के घरों में जो एक किचन में रखने की व्यवस्था हुई कि जीरा है तो काली मिर्च है, अजवाइन है, सौंठ है, अदरक है, लहसुन है, और इसमें फिर जिसकी आध्यात्मिक अभिरुचि है, जो अब इसमें थोड़ा सा इसमें और समावेश होता है कि भाई सत्व रज तम, इन तीन चीजों को भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। जिनके यहाँ थोड़े तामसी हैं लोग, ऐसा उनके यहाँ उनके पूर्वज उसको आध्यात्मिक स्वरूप में ढाल करके, नहीं नहीं ये हमारे कुल देवता इससे नाराज हो जाएंगे, तो हम वैसी तामसी चीजों का प्रवेश
अपने किचन में ही नहीं करने देते थे तो बच्चा खा ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उनको ये आभास हो जाता था कि भाई यहाँ घर में बड़ा, अब इनका हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है बड़ा तामसिक हो गया, इनके माता पिता का स्वरूप बहुत गुस्से में है, इनको जो है कि पित्त की प्रधानता है, इनके अंदर बड़ी गर्मी है, इसलिए इनको राजसी और तामसी चीजों से बचाया जाए। तो वहां सात्विक आहार विहार के बारे में व्यवहार करने का निर्देश उनके माता पिता, उनके दादी बादा बाबा कर देते थे, जिससे वे चीजें सहज ही उनको पता भी नहीं चलता था। और उनके किचन में वो आयुर्वेद का जीवन पद्धति कब प्रवेश कर गया और उनके गुण दोष को संतुलित रखने में वो सहयोगी हो गया और उनको पता ही नहीं चला। आज आयुर्वेद का अगर स्नातक है और उसने अगर एक पैरासिटामॉल किसी को दे दिया कि भाई बहुत बुखार है, भाग दौड़ करके आया है, यात्रा में आया है, तो उसके ऊपर पूरा चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है कि नहीं ये कैसे दे सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कोई ऐसी मांग नहीं कर रहा हूं, मैं यह जिज्ञासा व्यक्त कर रहा हूं कि क्या इतने लोगों ने काढ़ा पिया, इतने लोगों ने दवाइयां ली, इतने लोगों ने अश्वगंधा और च्यवनप्राश खाया, कितने लोगों ने आयुर्वेदिक स्नातक से परामर्श किया, जैसा कि अभी भरत सिंह जी ने कहा इस बात को, योग जैसी सहज सरल विद्या जिसको कि करने के पहले एक योग्य गुरु से पूछना आवश्यक है, तो किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से किसी ने यह सलाह ली या ये ऐसे ही चल पड़ा, तो इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसा कहीं किसी ने कोई परामर्श नहीं किया, मेडिकल स्टोर ने बता दिया कि ऐसा ये है, इसको ये खाइए, इससे बहुत लाभ है, ऐसा कर लीजिए, इससे लाभ है, जनमानस में इतना प्रचारित हो गया, किसी ने भी तुलसी का प्रयोग हो, एलोवेरा का प्रयोग हो, अर्जुन का प्रयोग हो, अश्वगंधा का प्रयोग हो, दालचीनी का प्रयोग हो, इलायची का प्रयोग हो, इनमें कोई किसी को ऐसा संशय भी नहीं हुआ कि ये कहीं से नुकसान करेगा, क्योंकि यह एक प्राकृतिक द्रव्य है, उसका प्रयोग पुरातन काल से चला आ रहा है। आयुर्वेद आदमी के रग रग में बसा हुआ है, लेकिन इसको हम साइंटिफिक पैरामीटर पे रखने के लिए स्वतंत्र हो, विवश न हो। योग के बारे में चित्त की वृत्तियों का निरोध, अभी आपने इतना बढ़िया व्याख्यान दिया जिसमें कि हम लोगों को ये लगा कि जैसे वो लाइव क्लास ले रहे हैं और उनकी विद्वत्ता, और उनके बाद योग पर कुछ भी कहना शायद कोई मतलब नहीं है, उन्होंने सारगर्भित ढंग से उसके बारे में काफी कुछ बता दिया। आयुर्वेद की प्रासंगिकता जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे उसका अग्नि तत्व में विलीन करने की बात हो, और जन्म के समय उसका माँ को कैसे उसको सेवन करना है, कैसे उसको पान कराना है, कैसे उनको सुरक्षित रखना है, कैसे माँ के कमरे में कोई नहीं जाएगा, उसका जो है साफ सुथरे ढंग से गोबर से लेपन करने की प्रक्रिया हजारों साल पहले की थी, लेकिन उस पर जब कोई पेटेंट कराने लगता है, जब कोई ऐसी बातें करता है, तब उसके प्रति जागरूकता फैलती है। इससे थोड़ा क्षोभ जो स्वाभाविक है वो होता है कि जो चीजें प्रायशः जीवन में एकदम मिली हुई हैं,
उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता शायद हास्यास्पद है। इस हिंदुस्तान में मेडिकल के फिटनेस का प्रमाण पत्र सबको जारी हो जा रहा है, चाहे उसके मन में कितनी भी कुंठा भरी हो, चाहे वो कितना भी असंतोष से भरा हुआ हो, चाहे उसकी आत्मा तृप्त हो या ना हो, उसकी क्रियाएं सही तरह से संपादित कर पा रही हैं शरीर की नहीं कर पा रहा है, वो अपने लाइबिलिटी को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उसको फिटनेस दिया गया, वो जाकर के अपने घर से 1000 किलोमीटर की दूरी में नौकरी करने लगा, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। आज हमें आयुर्वेद के जो भी आहार विहार ऋतुचर्या दिनचर्या इन सब के बारे में देश काल प्रकृति के अनुरूप, अब तो आयुष मंत्रालय की भी स्थापना हो गई है, उसके माध्यम से एक ऐसी जीवन शैली को प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कोरोना के इस महामारी में जो पूरे देश में व्याप्त था, लेकिन उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझते हुए सभी प्रदेशों को अलग अलग निर्देश दिए कि आप अपनी व्यवस्था के बारे में जो निर्णय लेना चाहें जैसे चाहें वो करें। सभी प्रदेश पे लागू नहीं किया गया, पहली बार की कोरोना की लहर में उन्होंने उसको कॉमन पूरे देश में लागू किया, जो देश काल परिस्थिति के अंतर की वजह से थोड़े बहुत उसमें कठिनाइयां आई, जिससे सीख लेते हुए उन्होंने सभी प्रांत के लिए अलग व्यवस्था का स्वतंत्रता दे दी। हमें ऐसा लगता है, हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं आप सभी के सामने, जरूरी नहीं है कि वक्ता बहुत ज्यादा जानता हो, तमाम ऐसे लोग बैठे हैं सामने जो बहुत कुछ जानते हैं, अच्छा समझते हैं, हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सभी को देश काल परिस्थिति के अनुसार वहां पर निर्णय लेने की जरूरत है। यूरोपियन कंट्री में जहां पर महीनों महीनों सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अगर हिंदुस्तान में अप्लाई की जाएगी तो निश्चित रूप से रोगियों की संख्या बढ़ेगी और स्वस्थ होने में भ्रम पैदा होगा, जैसा कि आज हम लोगों को लग रहा है कि जब हम अपनी परिभाषा को पढ़ते हैं तो वह परिभाषित होती दिखाई नहीं देती है, लगता है कि भाई ये किसी और के लिए कहा गया है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से मेडिकल साइंस में विज्ञान के सहयोग से आकस्मिक चिकित्सा, उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, उस समय मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, उस समय कोई 10वीं मंजिल से नहीं गिरता था, बहुत होता था तो पेड़ से गिर जाता था। आज ऐसी दुर्घटनाएं प्रायः होती हैं, जिसके लिए उसी तरह की तत्पर चिकित्सा की आवश्यकता है, जिसके लिए विज्ञान के अत्याधुनिक उपकरण, जिन पे उपयोग करने की सभी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी अस्पतालों में इनकी उपलब्धता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में गिने चुने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पतालों में सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं होंगी और आम जिलों में तो हमें नहीं लगता है कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कोई पैथोलॉजी और एक्सरे भी हो। तो युग के परिवर्तन के साथ चिकित्सा की पद्धति में ये बदलाव आने चाहिए। इन इन बातों को समाज में प्रकट होना चाहिए और
जिससे इतनी महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी आयुर्वेद पद्धति, आयुर्वेद ही क्यों, होम्योपैथ है, यूनानी है, योगा है, इन सब प्राकृतिक चिकित्सा है, इन सब पद्धतियों को अपना कार्य, अपना व्यवहार, अपना प्रभाव दिखाने का पूरे जनमानस पे अवसर मिले, हमारी नई पीढ़ियां आयुर्वेद को समझ पाएं, आयुर्वेद का जीवन जी पाएं। हमें ऐसा लगता है किसी को कह दिया जाए, आज अगर हम पहली लाइन में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम में उपयोगी अपनी पद्धति को ही नहीं देख पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, तो हम देखेंगे कि ये एक प्रज्ञापराध, यानी कि ज्ञान होते हुए भी किया जाने वाला व्यवहार में जो अंतर है वो प्रज्ञापराध कहलाता है। कि हम जानते हैं कि सुबह हमें उठना चाहिए लेकिन हम नहीं उठ पाते हैं, हम सो रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें जो है पानी कैसे पीना चाहिए, हमें कब गुनगुना पानी पीना चाहिए, हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, हमें फ्रिज के ठंडे पदार्थ नहीं सेवन करने चाहिए, हमें देर रात में भोजन नहीं करना चाहिए, रात में हमें विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए, हमें उड़द और दही नहीं खाना चाहिए, हमें दूध और नमक एक साथ नहीं खाना चाहिए, हम जो है मांस और दूध के बने भोज्य सामग्री नहीं लेने चाहिए, रात में बहुत आइसक्रीम ठंडे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे आपके घरों में जब कोई भी उत्सव होता है तो वह प्रायः रात में ही होता है, और उसका भोजन उसमें दही बड़ा जरूर रहेगा, जबकि उड़द और दही का विरुद्ध आहार है, उससे स्किन डिजीज हो सकती है, उससे सांस की बीमारी हो सकती है, उससे रक्त की अशुद्धता हो सकती है, लेकिन वह हमारे प्रचलन में इस तरह से व्याप्त हो गया कि उसको लोग मानते, अरे ये पुरानी सोच के लोग हैं, पुरानी सोच नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है, वो चीजें आपको सेवन करने पर निरंतर कुछ समय के बाद ऐसे उपद्रव होते हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है, उनको असाध्य बीमारियों के रूप में गिना जाने लगता है। आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जिसमें शरीर में संचित दोषों के निर्हरण की बात कही गई है और दोषों को समन करने की व्यवस्था है, दमन करने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है उसमें दमन करने की बात है और उनके स्वभाव में भी वैसा ही होता जाता है, नहीं नहीं ऐसा है इसको काट के हटा दो, किसी का ये है ऐसा खराब इसको हटाओ, ये बुखार आ गया उसको जो है इंजेक्शन दे दो, बर्फ में लिटा दो, इस ये बुराई नहीं है, ये मेडिकल साइंस में टेम्परेचर को कम करने की एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन शरीर में घटित होने वाले उस उपद्रव पर भी विचार होना चाहिए। उस विचार पर हम कोई भी चीज इम्बैलेंस हुई, एंटीबायोटिक हमने ऐड कर दिया, हम रात भर जगने के कारण हम जो है सिर में दर्द हो रहा है और हम जो है उसमें बीपी हमारा डिस्टर्ब है, तो हमें विश्राम की आवश्यकता है, तो वहां पर हमें पैरासिटामॉल दे दिया गया, पेन किलर दे दिया गया और हमें एंटासिड खिला दिया गया और फिर कह दिया गया कि चलो काम पर चलो फिटनेस। तो ऐसी बातों से निश्चित रूप से हमारे इस जन समुदाय का बहुत नुकसान हो रहा है। हमें आयुर्वेद की जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें अगर छोटी से छोटी चीजों पे जानकारी लेना है तो आयुर्वेद के विशेषज्ञ से पूछना चाहिए, जानना चाहिए। हो सकता है कि आप सामान्य तौर पर अपने भोजन में केवल
गोल्डी मसाले का प्रयोग हटाने मात्र से आपका स्वास्थ्य अनुकूल हो जाए, आपको सौंठ, अदरक, जीरा, हींग, इन चीजों के प्रयोग से ही आप निरोगी रहें, आपकी प्रकृति को देख करके, आपके त्रिगुण और त्रिदोष के सामंजस्य को समझ करके, एक आयुर्वेदिक जो स्नातक है, जो विशेषज्ञ है, वो आपके बारे में ऐसी बातें बता दे जो आप शायद कल्पना में भी नहीं जानते हो, जिसको जानेंगे जब जब आप 50 साल के हो गए और तब आपको मालूम चला कि अरे मैं तो कफ प्रधान हूँ, अरे मुझे तो डायबिटीज हो गई और मुझे ओबेसिटी हो गई, अब मेरा क्या हो सकता है, अब मैं तो घुटना भी मेरा नहीं काम कर रहा है, अब मेरे लिए व्यायाम जरूरी हो गया नहीं तो शुगर बढ़ने लग रहा है, मैं अगर बैठे बैठे खा रहा हूं तो मेरा वजन भी नहीं घटेगा, तो अब कहने का वो असाध्य चीजें बढ़ती ही चली जाती है। ऐसी स्थिति में यदि सभी लोग अपने बच्चों के त्रिगुण और त्रिदोष की विवेचना किसी भी विशेषज्ञ से कराएं और उसके बाद उसके जीवन की आहार विहार व्यवहार की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, तो निसंदेह हम ये कह पाएंगे कि आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसको पूरा कर पाएंगे। आतुरस्य विकार प्रसन्नम च के लिए तो सभी पैथियां हैं, सभी विज्ञान है, सभी पूरा समाज है, सारा प्रशासन है, उसको कर पा रहा है, लेकिन आयुर्वेद की प्रासंगिकता, आयुर्वेद की जीवंतता तभी है जबकि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम से हम उसको शुरू करें, और तब हम देखेंगे कि हम आयुर्वेद के ही विज्ञान से बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऐसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी डायलिसिस के, हमारे शरीर में संचित हुए दोष का निर्हरण पंचकर्म के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। धन्यवाद। नीतू जी। जी सर। जी जी हाँ बताएं। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। बस आज की सेशन को सुन रही थी और सोच रही थी कि एक योगाचार्य जुड़े और दूसरे आयुर्वेद ज्ञाता जुड़े, और दूसरे दोनों लोगों ने मिलके अपने जो अनुभव, अपने जो नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर किया, निश्चित रूप से सर इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव, नॉलेजेबल रहा। त्रिगुण व त्रिदोष से शुरू करके आपने आयुर्वेद जीवन शैली और वर्तमान जीवन शैली में किस प्रकार से असंतुलन है, अनेक बीमारियां कैसे जन्म ले रही हैं, और जन्म के साथ साथ हम उस बीमारी को जड़ से ना खत्म करके बल्कि तुरंत तात्कालिक इलाज कर रहे हैं, उसका आपने जो भी चीजें हमारे सामने रखी सर बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत जानकारीपूर्ण थी, और शायद इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम अपनी प्राचीन परंपरा, प्राचीन चिकित्सा पद्धति को ध्यान में रखें तो आज के वर्तमान समय में हमको लगता है कि 80% प्रॉब्लम्स का निदान हम स्वयं कर सकते हैं। इसी के साथ समय की समाप्ति हो रही, विराम की बेला आ रही है, और अपने दोनों आज के जो भी स्पीकर हमारे साथ जुड़े, बहुत अनुभवी जुड़े, उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आनंद सर। डॉक्टर आनंद सर जी धन्यवाद मैडम। आज के सर आवाज कुछ क्लियर कम है। जी जी धन्यवाद मैडम। अब आवाज आई? जी जी क्लियर। आज के इस चर्चा सत्र में हमारे साथ श्री भरत सिंह सर, सीनियर योगा टीचर, केवल धाम योग संस्थान लोनवाला महाराष्ट्र। सर आपने राष्ट्रीय सेवा योजना और योग विभाग जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के अनुरोध पर
आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारा जो निमंत्रण है उसको स्वीकार किया और आपने इस सत्र में वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसका विषय था योग्याभ्यास में सावधानियां एवं महत्व। उस संदर्भ में आपने बात करते हुए यह रखा कि अगर योगा को हम नियमित रूप से अपनाते हैं और उसको अनुशासित ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर से शारीरिक और मानसिक, शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकारों को भी दूर किया जा सकता है योगा के माध्यम से। जरूरत है कि उसको सही तरीके से एक जो है योगा एक्सपर्ट के दिशा निर्देशन में उसको जो है अनुशासित ढंग से और एक निरंतरता बनाए रखते हुए उसका योगाभ्यास किया जाए। आपने पौष्टिक आहार के संदर्भ में भी आपने बात रखी कि हमको किस तरीके से आहार लेना चाहिए, किस तरीके से भोजन करना चाहिए और भोजन में किस तरीके की हमारी जो पौष्टिक आहार है वो पौष्टिक आहार किस तरीके का होना चाहिए। आपने महिलाओं के संदर्भ में भी आपने कुछ महत्वपूर्ण योगाभ्यास पर आपने बात रखी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद की कड़ी में डॉक्टर सचिन उपाध्याय सर, जो आप चिकित्सा अधिकारी हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से, आपने अपने वक्तव्य आयुर्वेद एवं योग की प्रासंगिकता में आपने यह बात रखी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने का जो कर्तव्य है ये कर्तव्य आयुर्वेद का है। और वर्तमान समय में आपने न केवल इस चित्रकूट के ही बल्कि इस पूरे भारतवर्ष में जो देशवासी है उन देशवासियों के स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने महत्वपूर्ण चर्चा आपने रखी और उस चर्चा के माध्यम से आपने यह रखा कि आयुर्वेद का क्या मूल कर्तव्य है और हमको जो है हमको जो है उनके स्वास्थ्य की जो रक्षा है उस रक्षा करने का जो कर्तव्य है हम उस कर्तव्य को आयुर्वेद के माध्यम से हमें निभाना, हर जो है आयुर्वेद से जिनको जानकारी है उनको निभाना चाहिए। धन्यवाद सर। इसी धन्यवाद की कड़ी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी विद्वत जनों को धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद की कड़ी में उन सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हमें लाइव देख रहे और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें प्रोत्साहित कर रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कड़ी में योगा विभाग के सभी प्राध्यापक और राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी कार्यक्रम अधिकारियों को भी एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। प्राध्यापक और धन्यवाद सर। अब हम लोग यहीं पे अपनी इस सेशन को एंड करते हैं। ओम शांति।